हाय दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आज मैं इस वीडियो में बद्रीनाथ धाम की कहानी बताने वाला हूं। दोस्तों, यदि आप भी एक सच्चे सनातनी हैं तो आपको इस वीडियो को पूर्ण रूप से देखना चाहिए। बद्रीनाथ धाम चार धामों में से एक है। बद्रीनाथ पूरी दुनिया में हिंदू आस्था के सर्वश्रेष्ठ मंदिरों में से एक है। यह मंदिर बद्री नारायण के नाम से भी जाना जाता है। बद्रीनाथ मंदिर अलकनंदा नदी के किनारे उत्तराखण्ड राज्य में स्थित है। यह मंदिर भगवान विष्णु के रूप में बद्रीनाथ को समर्पित है। यह मंदिर ऋषिकेश से 294 किलोमीटर की दूरी पर उत्तर दिशा में स्थित है। ये पंच बद्री में से एक बद्री भी है। कहा जाता है कि योग मुद्रा में विराजमान भगवान नारायण की पूजा 6 माह मानव और 6 माह देवता करते हैं। मंदिर के गर्भगृह में भगवान विष्णु के साथ नर नारायण की मूर्ति स्थापित है। कहा जाता है कि इन्हें स्पर्श करने का अधिकार केवल केरल के पुजारी को होता है। माना जाता है कि केदारनाथ और बद्रीनाथ के कपाट खुलते हैं तो उस समय मंदिर में जलने वाले दीपक के दर्शन का खास महत्व होता है। ऐसा माना जाता है कि 6 महीने तक बंद दरवाजे के अंदर देवता इस दीपक को जलाए रखते हैं। बद्रीनाथ के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पहले भगवान भोलेनाथ का निवास हुआ करता था, लेकिन बाद में भगवान विष्णु ने इस स्थान को भगवान शिव से मांग लिया था। दोस्तों, बद्रीनाथ धाम को लेकर शास्त्रों में लिखा गया है कि इंसान को अपने पूरे जीवन काल में कम से कम एक बार बद्रीनाथ मंदिर का दर्शन करना चाहिए। बद्रीनाथ मंदिर के जो पुजारी होते हैं वो शंकराचार्य के वंशज के होते हैं, जो रावल के नाम से जाने जाते हैं। इस मंदिर के पुजारी जब तक रावल के पद पर रहते हैं तब तक उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है। दोस्तों, उत्तराखंड के इस बद्रीनाथ मंदिर की महिमा का वर्णन श्रीमद् भागवत गीता, केदारखंड, स्कंद पुराण आदि ग्रंथों में मिलता है। मान्यता है कि बद्रीनाथ मंदिर के दर्शन से पूर्व केदारनाथ धाम के दर्शन करना शुभ माना जाता है। बद्रीनाथ की ऊंचाई 1048 फीट है। दोस्तों, बद्रीनाथ में भगवान शिव को ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिली थी। यह वह स्थान है जिसे ब्रह्म कपाल के नाम से भी जाना जाता है। बद्रीनाथ में एक ऊंची शिला है जहां पितरों का तर्पण श्राद्ध किया जाता है। माना जाता है कि यहां श्राद्ध करने से पितरों को मुक्ति मिलती है। दोस्तों, बद्रीनाथ तीर्थ का नाम बद्रीनाथ कैसे पड़ा यह अपने आप में एक रोचक कथा है। कहा जाता है कि एक बार देवी लक्ष्मी जब भगवान विष्णु से रूठकर मायके चली गई, तब भगवान विष्णु ने यहां आकर तपस्या करने लगे। जब देवी माँ लक्ष्मी की नाराजगी दूर हुई तो भगवान विष्णु को ढूंढते हुए वापस आई। उस समय भगवान विष्णु बद्री के वन में बैठकर तपस्या कर रहे थे, इसलिए देवी लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को बद्रीनाथ नाम दिया। दोस्तों, बद्रीनाथ मंदिर के मुख्य मंदिर में सोने का कवच से घेर कर 3.3 फीट की ऊंची भगवान विष्णु जी की प्रतिमा बद्रीनाथ के रूप में स्थापित है। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि मंदिर के नीचे तप्त कुंड नाम का जल स्रोत है जो हर मौसम में गर्म रहता है। भक्तगण बद्रीनाथ मंदिर में प्रवेश करने से पहले इस जल स्रोत में डुबकी लगाते हैं, फिर बद्रीनाथ नारायण का दर्शन करते हैं। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि जल स्रोत में औषधीय गुण है जिससे भक्तों की सारी बीमारियां दूर हो जाती है। दोस्तों, यदि आप भी बद्रीनाथ जाकर बद्री नारायण का दर्शन करना चाहते हैं तो आपको जाने के लिए फ्लाइट, बस, ट्रेन आदि का सुविधा मिलेगा। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन धर्म।